व्यूअर्स, उमा कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज इन दिस लेक्चर वी विल बी गोइंग टू स्टडी ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, बीएससी पार्ट 3 इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। अच्छा, इसके पहले लास्ट ईयर में आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा होगा, तो उसमें एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा होगा और वहाँ पे भी ग्रुप थ्योरी का जिक्र होता है, ग्रुप का जिक्र होता है। इस पेपर में हम लोग डिटेल में ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ग्रुप को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन, और आपने देखा था लीनियर अलजेब्रा में दो तरह के ऑपरेशन होते थे, एक को हम लोग बोलते थे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और दूसरा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन था। ग्रुप में हमें सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन की ज़रूरत है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, और इसलिए सिर्फ हम लोग यहाँ पे इसको बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब हमारा ये है कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ओके, बाइनरी ऑपरेशन को समझने के लिए सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो, लेट जी नॉट इक्वल टू फाइव, जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। कंसीडर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी विथ इट्स सेट। जब आप रिलेशन की बात कर रहे होंगे, जब रिलेशन आप समझे होंगे, तो वहाँ पे सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने देखा होगा जी क्रॉस जी, और इसके जो मेंबर्स होंगे वो इस टाइप के होंगे, एक्स कमा वाई टाइप के, और यहाँ पे जो एक्स और वाई होंगे वो दोनों के दोनों जी के मेंबर्स होंगे। ओके, अच्छा, ये सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा ये डिपेंड करेगा कि सेट जी क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। जी क्रॉस जी के जो मेंबर होंगे वो इस टाइप के होंगे, एक्स का मा वाई टाइप के, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों जी के मेंबर्स होंगे। अच्छा, जी क्रॉस जी के एक मेंबर के लिए हमें क्या करना होगा, जी से दो एलिमेंट को सेलेक्ट करने होंगे, और जैसे ही आपने जी से दो एलिमेंट सेलेक्ट किया, जी क्रॉस जी का एक मेंबर मिलेगा एक्स का मा वाई। ओके, इफ लेट एक्स वाई बिलोंग टू जी, ये कोई भी दो एलिमेंट है जी के, देन एक्स कामा वाई इज अ मेंबर ऑफ जी क्रॉस जी। ओके ओके, अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन की। ऑलरेडी आप इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के बारे में जानते हैं, और क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही तरह का ऑपरेशन की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग उसको सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब हमारा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ओके, ए मैपिंग का नोटेशन हम लोग ओ से दे रहे हैं, स्मॉल ओ से, और काफ़ी स्टैंडर्ड नोटेशन है। ऑपरेशन को जब भी हमें डिनोट करना होता है हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ए मैपिंग ओ फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, यहाँ पे जी फिर से क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट, जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ए मैपिंग ओ फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, इस मैपिंग का जो डोमेन सेट है वो जी क्रॉस जी है, और कोडोमेन सेट क्या है, जी है, इस कार्ड इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और ए बाइनरी ऑपरेशन, इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। इन जी बाइनरी ऑपरेशन इन दी सेट जी। ओके, अच्छा, अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन को समझना है तो मैपिंग समझना होगा। अगर जो मैपिंग समझ रहे हैं इसका मतलब आप समझ रहे हो कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कि सेट के एलिमेंट को कंबाइन करना है,
और यहाँ पे हमें इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं, तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि एक सेट के मेंबर्स को हम लोग कंबाइन करते हैं, ठीक है। अगर आप मैपिंग देखो, हम मैपिंग फिर से आपको रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि आपको इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को समझना है जिसको हम लोग सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हैं। जैसे जब भी आप कहते हो कि मान लो आपके पास एक सेट है और वाई एक सेट है और आपने एक मैपिंग डिफाइन किया हुआ है, आपके पास एफ एक मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू वाई। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मैपिंग प्रूफ करने के लिए आपको दो बातें प्रूफ करनी होती है। सबसे पहले ये है कि इस सेट को बोलते हैं डोमेन सेट, मैपिंग का डोमेन, और इसको बोलते हैं कोडोमेन। एफ को मैपिंग होने के लिए कैपिटल एक्स सेट में जितने भी मेंबर्स है उसको मैप होना है वाई में, और हर एक एलिमेंट के करिस्पॉन्डिंग हमें यूनिक इमेज मिलेगा वाई में। दैट मीन्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक y belong to capital Y such that fx is equal to y। अच्छा, यहाँ पे हम लोग y को बोलते हैं, y is image of x under the map f and x is called pre-image of y under the map f, okay? तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल एक्स में जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज मिलेगी, और वो इमेज क्या होगा? यूनिक इमेज होगा वाई में, ओके। हर एक कैपिटल एक्स के हर एक एलिमेंट का वाई में एक यूनिक इमेज मिलेगा। दैट मीन्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई बिलोंग टू वाई सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो बिल्कुल बात सेम बात यहाँ पर भी होगी। अगर हम ये कह रहे हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एक मैपिंग है, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो। अच्छा, अब आप यहाँ पे आओ, जी क्रॉस जी के जो मेंबर होंगे ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे। तो जैसे कि मान लो कि आपने एक एलिमेंट लिया एक्स कामा वाई, किसका मेंबर लिया? जी क्रॉस जी का। ये मेंबर आपको कैसे मिला? आपने दो एलिमेंट जी से सेलेक्ट किया एक्स और वाई। अच्छा, एक्स और वाई सेलेक्ट किया तो आपको जी क्रॉस जी का मेंबर मिला। इस मेंबर का जो इमेज होगा उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, द इमेज ऑफ एक्स कमा वाई अंडर द मैप ओ या अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन इज डिनोटेड बाई एक्स ओवर। एक्स ओ वाई क्या है? इमेज है एक्स कामा वाई का अंडर दिस मैप ओ। मैपिंग हमने डिफाइन किया है ओ। अच्छा, इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि हमने ऑपरेशन ओ से जी के इन दो मेंबर को, जी का मेंबर जो है एक्स है और वाई है, इन दोनों को कंबाइन किया है ऑपरेशन ओ से। और एक्स ओ वाई क्या है? इमेज है एक्स कामा वाई अंडर द मैप ओ। तो जब भी हम लोग एक्स ओ वाई लिखेंगे इसका मतलब क्या है कि एक्स ओ वाई इज द इमेज ऑफ एक्स कामा वाई अंडर द मैप ओ या अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ, ओके। अच्छा, थोड़ा सा जैसे मैपिंग का डेफिनेशन आपने यहाँ पे देखा, इसकी हेल्प से हम थोड़ा सा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपने, अगर आपको ये प्रूफ करना है, जैसे आपको आपके पास एक सेट है नॉन एम्प्टी, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और आपके पास एक ऑपरेशन है, और आपको ये प्रूफ करना है कि वो क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा इन दिस सेट जी, बाइनरी ऑपरेशन होगा इन दिस सेट जी। इसके लिए क्या प्रूफ करना होगा कि वो एक मैपिंग होगा, वो एक मैपिंग होगा फ्रॉम जी क्रॉस जी से जी में। अच्छा, इसको मैपिंग प्रूफ करने के लिए आपको दो बातें प्रूफ करनी होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन में हमने लिखा था। और डेफिनेशन में क्या था कि डोमेन सेट में जितने भी एलिमेंट है सबका इमेज मिलना चाहिए, वाई में इमेज मिलना चाहिए, और वो इमेज जो होगा वाई में यूनिक होगा, ओके। मतलब कि अगर आप एक्स कामा वाई का कोई भी मेंबर लेंगे तो उसका इमेज मिलेगा जी में, और वो इमेज जो होगा जी में यूनिक होगा।
तो अगर हमें इसको बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ करना है तो इसके लिए आपको दो बातें प्रूफ करनी होगी। पहली बात तो ये है कि फॉर अगर आप कोई भी दो मेंबर लेते हो, एक्स लिया वाई लिया, आपने जी में एक एलिमेंट ले, जैसे ही आपने दो मेंबर्स लिए जी में तो आपको क्या मिला, एक एलिमेंट मिला एक्स कामा वाई, किसका मेंबर मिला, जी क्रॉस जी का। ये एक आर्बिटेरी, ये दोनों के दोनों आर्बिटेरी एलिमेंट हैं। दिस इम्प्लाइज ये जो इनकी इमेज होगी एक्स ओ वाई, ये किसका मेंबर होगा, वो भी क्या होगा, जी का मेंबर होगा। इसका मतलब क्या है कि पहली बात हमने ये प्रूव कर दिया कि जी क्रॉस जी के जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी इमेज होगी जी में होगी। सेकेंड बात आपको ये प्रूव करनी होगी कि जो इमेज होगा वो यूनिक होगा, और यूनिकनेस के लिए आपको क्या प्रूफ करना है, सेकेंड पार्ट, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये प्रूफ करना होगा लेट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन डैश, वाई वन इज इक्वल टू वाई वन डैश, देन एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन डैश वाई वन डैश। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो इमेज होगा एक्स कामा वाई की, वो इमेज क्या होगा, यूनिक होगा। और इससे ये साबित हो जाएगा कि जो आपने ये डिफाइन किया है वो एक मैपिंग है, मतलब कि एक बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रुप वाइड का। ए पेयर जी ओ, हमारे पास एक एलजेब्रिक सिस्टम है। इस सिस्टम में आपके पास एक सेट है और इस सेट पे एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसको हमने ओ से डिनोट किया हुआ है। मतलब कि ओ क्या है, एक मैपिंग है फ्रॉम जी क्रॉस जी से जी में, वेयर यहाँ पे इस सिस्टम में जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ओ क्या है, एंड ओ बी एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन या ए बाइनरी ऑपरेशन इन जी। ये हमारे पास एक एल्जेब्राइक सिस्टम बना। इस सिस्टम में हमारे पास एक सेट है और उस सेट पे हमने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप वाइड। इस कारण ए ग्रुप वाइड। तो अगर हम ये कह रहे हैं ग्रुप वाइड विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ओ, अगर हम ये कह रहे हैं कि जी ओ क्या है, एक ग्रुप वाइड है, इसका मतलब क्या है कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और ओ क्या है, इसका ओ उस सेट पे क्या है, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। अच्छा, इसके बारे में हम क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, इसके बारे में हम लोग ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि जो हमारे पास एक रूल है जिसकी हेल्प से, और रूल वो कौन है, वो जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जी के मेम्बर्स को कम्बाइन कर सकते हैं, और जब कंबाइन करेंगे तो हमें फिर से जो न्यू मेंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, जी का एक मेंबर मिलेगा जो कि यूनिक होगा। यूनिक इस सेंस में जैसा कि हमने यहाँ पे सेकेंड एक्सप्लेन किया हुआ था, मतलब कि आप ये जानते हो कि वो क्या है, एक मैपिंग है। इसका मतलब क्या है कि मैपिंग से आपको क्या मिलता है कि एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं हो सकते। जैसे कि अगर आपने ये बात लिखा यहाँ पे, जैसे आपने दो एलिमेंट लिया, लेट एक्स लिया और वाई लिया, किसका मेंबर लिया, जी के दो मेंबर लिया आपने, ठीक है, एक्स और वाई। तो अगर आपको ये दिखाना है कि ये जो जी है एक ग्रुप वाइड है, तो इसके लिए क्या प्रूफ करना होगा कि जो ऑपरेशन आपने लिया हुआ है वो क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। और बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपको दो बातें प्रूफ करनी होती है। इसके लिए क्या करोगे, आप दो आर्बिट्रेरी मेंबर लोगे जी के, एक्स और वाई, और यहाँ से आप ये दिखा दोगे, देन एक्स ओ वाई क्या हो जाएगा, जी का एक मेंबर हो जाएगा। और सेकेंड क्या प्रूफ करना होगा, यूनिकनेस,
सेकेंड आपको यूनिकनेस प्रूव करना होगा, जैसा कि हमने अभी अभी मेंशन किया था। ओके, कुछ हम एग्जांपल देते हैं आपको ग्रुप वाइड की। अच्छा, इससे पहले जैसे आपने लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, कैपिटल एक्स क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट। लेट जी, हमने एक्स के पावर सेट का, एक्स का पावर सेट लिया, ठीक है, एक्स का हमने क्या लिया, पावर सेट लिया। इसका मतलब क्या है कि इसके जो मेंबर्स होंगे, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स। इसके जो मेंबर होंगे क्या होंगे, एक्स के सबसेट्स होंगे ए, सच दैट ए इज सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट एक्स। ओके, दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट एक्स। अच्छा, इस पर आप जानते हो कि किस तरह से यूनियन डिफाइन होता है, किस तरह से इंटरसेक्शन डिफाइन होता है, किस तरह से कॉम्प्लीमेंट डिफाइन होता है, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट की बात करें, किस तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस डिफाइन होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यूनियन इंटरसेक्शन रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, ऑल आर बाइनरी ऑपरेशन इन जी। अच्छा, इसको समझना है तो आप ये देखो, जैसे कि आपने दो सबसेट लिया, दो सबसेट लिया आपने, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। अच्छा, जी क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स, जिसमें क्या है, एक्स के सबसेट्स हैं। ओके, अगर आपने ए और बी जी का मेंबर लिया, मतलब कि ए और बी दोनों के दोनों क्या हैं, एक्स के सबसेट हैं। ओके, अच्छा, अगर हम बात करें ए यूनियन बी की, तो ये भी क्या होगा, एक सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, एक एलिमेंट होगा, एक्स का सबसेट होगा, मतलब कि जी का एक मेंबर होगा। और अगर आप यहाँ पे फिक्स्ड ए और बी लेंगे, तो ए यूनियन बी भी क्या होगा, फिक्स होगा। इसका मतलब कि जो यूनियन है वो क्या है, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। और रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन कर दें आपको। कॉम्प्लीमेंट ऑफ, जैसे आपने एक सबसेट लिया, लेट ए बी अ सबसेट बी बिलोंग्स टू जी, मतलब कि ए एक सबसेट है जी का। ओके, देन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इन एक्स, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, एक्स डिफरेंस ए। एक्स डिफरेंस ए का मतलब क्या है, एक्स में से आप ए के मेंबर को डिलीट कर दिए। दिस इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ एक्स विच आर एब्सेंट इन ए, एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, अच्छा, ये भी क्या होगा, एक सबसेट ही होगा, किसका सबसेट होगा, कैपिटल एक्स का, मतलब कि जी का भी मेंबर होगा। इसका मतलब क्या है कि जो ऑपरेशन है, और साथ ही साथ वो यूनिक भी होगा। अगर एक ए फिक्स लेके चलेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक फिक्स सबसेट होगा एक्स का, मतलब कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट जिसकी बात कर रहे हैं, वो भी क्या होगा, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा, मतलब कि एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसी तरह से आप सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रहे हो, सिमेट्रिक डिफरेंस लेट ए एंड बी बिलोंग टू जी, ए और बी क्या है, जी के दो मेंबर्स हैं, देन
देन सिमेट्रिक डिफरेंस, of A and B is denoted by A symmetric difference B. ठीक है, A symmetric difference B and defined as, कैसे डिफाइन करेंगे, A symmetric difference B is equal to A difference B union B difference A. ओके, इसको बोलते हैं आप सिमेट्रिक डिफरेंस. आप क्या कर रहे हो, A में से B के एलिमेंट डिलीट कर रहे हो और B में से A के एलिमेंट डिलीट करके उन दोनों का यूनियन ले रहे हो, और यूनियन के बाद से जो भी आएगा वो फिर से एक सबसेट आएगा X का, मतलब कि G का ही मेंबर होगा, और A और B फिक्स लेके चलेंगे तो ये राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन भी क्या होगा, एक फिक्स सबसेट होगा कैपिटल X का. मतलब कि यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्या है, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है. मतलब कि आपके पास ग्रुपॉइड के कुछ एग्जाम्पल मिले, जैसे आप यहाँ पे सो सो अगर हम बात करें जी यूनियन, आपको याद है जी क्या है, जी इज दी पावर सेट ऑफ एक्स, दिस इज दी कलेक्शन ऑफ ऑल दिस सबसेट ऑफ एक्स, दिस इज ए ग्रुप वाइड विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन. इसके बाद हम लोग बात करेंगे जी with respect to intersection, G with respect to relative complement, or and G with respect to symmetric difference, all are groupoids. All are groupoids. अच्छा, इसके बाद कुछ हम और बातें करें नंबर सेट में. नंबर सेट में आप जानते हैं चार तरह के फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्स्ट्रैक्शन और डिवीजन. ठीक है, इस तरह के फंडामेंटल ऑपरेशन आपको देखना ये है कि वो कहाँ कहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, किसके एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ग्रुप वाइड के एग्जांपल की बात कर रहे हैं. मतलब कि आपके पास एक सेट है और उस सेट पे क्या है, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है. मतलब बाइनरी ऑपरेशन, हमारे पास रूल है जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, उस सेट के मेम्बर्स को कम्बाइन कर सकते हैं, और कम्बाइन करने के बाद से न्यू मेम्बर होगा वो भी क्या होगा, उसी सेट का एक मेम्बर होगा. ओके, जैसे अगर हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर लें, इन सारे नोटेशन से आप परिचित होंगे पहले से, और यहाँ पे यूजुअल एडिशन लेते हैं जो नंबर सेट में इस्तेमाल किया जाता है, यूजुअल एडिशन. तो दिस इज ए ग्रुप वाइड, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी दो नेचुरल नंबर को अगर कंबाइन करोगे प्लस से तो फिर से क्या होगा, वो एक नेचुरल नंबर ही होगा. और अगर फिक्स्ड नेचुरल नंबर लोगे, एक्स और वाई फिक्स नेचुरल नंबर लिया, तो जब कंबाइन करेंगे प्लस से तो x प्लस वाई भी क्या होगा, एक फिक्स नेचुरल नंबर होगा. इससे ये साबित होता है कि जो प्लस है वो एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है. मतलब कि ये जो सिस्टम है वो एक ग्रुपॉइड स्ट्रक्चर है. इसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पे n माइनस नहीं हो सकता. n माइनस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस जो है वो n में बाइनरी नहीं होगा. बाइनरी क्यों नहीं होगा, जैसे आप इसको डिसप्रूव करना है तो एक एग्जांपल देके कर सकते हो. जैसे आपने दो नेचुरल नंबर लिए 1 और 2 और इनको माइनस से कंबाइन कर दिया, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो माइनस 1 होगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होगा. ओके, इसी तरह से अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करें, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा. तो ये भी क्या होगा, एक ग्रुपॉइड स्ट्रक्चर होगा. इसके बाद से हम लोग जेड प्लस की बात करें, जेड प्लस भी एक ग्रुपॉइड स्ट्रक्चर होगा. जेड का मतलब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स. तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्या होगा, एक ग्रुपॉइड स्ट्रक्चर होगा. और इसी तरह से जेड विद रिस्पेक्ट टू माइनस, ये भी क्या होगा, एक ग्रुपॉइड होगा. अगर इसके बाद से आप बात करें क्यू प्लस की, क्यू विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्यू विद रिस्पेक्ट टू माइनस. अब इसके बाद से आर की भी बात कर सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन, आर विद रिस्पेक्ट टू माइनस, आर विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन,
एंड इसके बाद से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की भी बात कर सकते हैं, सी प्लस सी सी डॉट, इसके बाद से सी विद रिस्पेक्ट टू माइनस, किस तरह से ये सब डिफाइन होता है आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेट में किस तरह से एडिशन डिफाइन होता है, और क्योंकि ये सब के सब सबसेट हैं सी के, तो जिस तरह से वो सी में डिफाइन होता है वैसे ही हम लोग उसको एन में, जेड में, क्यू में, आर में डिफाइन करेंगे, क्योंकि वो एक इंड्यूस्ड ऑपरेशन है। एन में जो ऑपरेशन आएगा वो सी से ही आएगा, जेड में जो ऑपरेशन होगा, क्यू में जो ऑपरेशन होगा, आर में जो ऑपरेशन होगा वो सी से ही आएगा, ओके, जो यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, ओके। अच्छा, इसके बाद से ये सब के सब क्या है, आल आर एग्जाम्पल ऑफ ग्रुपर्ट्स, आल आर ग्रुपर्ट्स। अच्छा, इतना हमने लिस्ट दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पास इतने ही ग्रुपॉइड स्ट्रक्चर हैं, इनके अलावा भी है। जैसे कि आप जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे एक सेट आपको मिला होगा जिसको जेड एन से डिनोट करते थे, और उसके जो मेंबर्स होते होंगे, जो उसके मेंबर होते थे वो किस तरह के होते हैं, जैसे कंसीडर जेड एन, ऐसे डिनोट करते हैं इसको जेड एन, और इसके जो मेंबर होंगे 0 बार 1 बार 2 बार एंड सो ऑन एन माइनस 1 बार, ठीक है। इस पे एक रिलेशन डिफाइन किया था, कंसीडर द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके जो मेंबर होंगे आप जानते होंगे -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, ये जेड के मेंबर हैं। इस सेट पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया होगा, बीएससी सेकेंड ईयर में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, आपने इस पे एक रिलेशन डिफाइन किया था जिसको बोलते थे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। वी डिफाइन ए रिलेशन दिस, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, उसका ये सिंबल होता है। वी डिफाइन ए रिलेशन दिस ऑन जेड एस, इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मान लो आपने दो इंटीजर फिक्स्ड इंटीजर लिया, सपोज आपने दो इंटीजर लिया, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, और एक फिक्स्ड इंटीजर लिया एन, लेट एन बी अ फिक्स्ड इंटीजर, एन क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। अब इस तरह से रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ए इज़ रिलेटेड टू बी, इसको ऐसे भी बोलते हैं ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी इफ एंड ओनली ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय एन, ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय एन, ओके। अच्छा, अब आप इजीली प्रूफ कर सकते हो कि ये जो रिलेशन हमने जेड पे डिफाइन किया है वो रिलेशन क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और अगर ये जेड पे इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो हम इक्विवेलेंस क्लासेस की बात कर सकते हैं। हर एक इंटीजर का आपको इक्विवेलेंस क्लास लेना है, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि टोटल ये एन डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेज होंगे, 0 की क्लास 1 की क्लास 2 की क्लास एंड सो ऑन एन माइनस 1 की क्लास। अच्छा, इसके आगे बढ़ोगे आप, जैसे एन की क्लास होगी तो एन की क्लास किसके क्लास के बराबर होगी, 0 की क्लास के बराबर होगी, क्योंकि अगर आप एन को एन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई एन, इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी को जब आप एन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। अच्छा, ऐसे दो इंटीजर को जो जिनका डिफरेंस एन से डिविजिबल होगा हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट इंटीजर्स बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर बात करें तो इसके जो मेम्बर्स हैं वो एक सेट है, वो जेड का एक सबसेट है। जैसे 0 की क्लास में कौन से मेम्बर आएंगे, 0 की क्लास में जेड के वो एलिमेंट आएंगे जिनको एन से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिलेगा, 1 की क्लास में वो इंटीजर्स आएंगे जिनको एन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। इस तरह से आप सारे एलिमेंट की क्लास ले लोगे और आप देखोगे कि टोटल जो है डिस्टिंक्ट क्लासेज जो होंगे वो एन होंगे, 0 की क्लास 1 की क्लास एंड सो ऑन एन माइनस 1 की क्लास, ओके। अच्छा, इस सेट पे हमारे पास एक सेट मिला जेड एन, और इस सेट पे हम लोग ऑपरेशन डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं एडिशन मॉडुलो एन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। वी डिफाइन, इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि आप दो इंटीजर ले लो, जैसे आपने ले लिया, दो ऑलरेडी लिया हुआ है ए और बी,
इस तरह से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ए प्लस सर्किल बी। प्लस सर्किल का मतलब क्या है कि इस प्लस सर्किल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एडिशन मॉडुलो एन। और एडिशन मॉडुलो एन को इस तरह से डिफाइन करेंगे, ए और बी किसके एलिमेंट हैं, वो जेड एन के एलिमेंट हैं। ठीक है, लेट ए क्लास एंड बी की क्लास बिलोंग्स टू जेड। इसको इस तरह से कंबाइन करते हैं, ए और बी को इंटीजर की तरह सम करना होता है, ए प्लस बी और इसकी क्लास ले लेना है। क्लास का मतलब क्या है कि आपको इसको डिवाइड करना है, किससे, एन से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा उसी से हमें मतलब है, जो रिमाइंडर आएगा इसी में से कुछ ना कुछ होगा तो उसको क्लास लगा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए की एक ए क्लास प्लस बी की क्लास, और इस प्लस को क्या बोलेंगे, एडिशन मॉडुलो एन। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जिसको बोलेंगे स्टार से डिनोट करेंगे, और जिसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। और ए स्टार बी, इसको क्या करना है, ए और बी को आपको इंटीजर की तरह मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं, और जब आप उनके क्लासेज ले रहे हो तो वो क्लासेज किसके एलिमेंट हैं, जेड एन के एलिमेंट हैं। तो आप ए और बी को इंटीजर की तरह मल्टीप्लाई करके उसकी क्लास ले लोगे। तो इस तरह से हमने सेट जेड एन को इंट्रोड्यूस किया, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, और इस पर हमने रिलेशन डिफाइन किया, एडिशन मॉडुलो एन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। और इसके रिस्पेक्ट में जो जेड एन होगा वो क्या होगा, एक ग्रुपॉइड स्ट्रक्चर होगा। क्लियरली प्लस सर्किल एंड स्टार आर बाइनरी इन जेड एन। सो आपको दो ग्रुपॉइड मिले, जेड एन प्लस एंड जेड एन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये दो ग्रुपॉइड स्ट्रक्चर मिले। इसके बाद से कुछ और हम लोग बातें कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आपने कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया जी, ग्रुपॉइड के लिए क्या चाहिए, आपको एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए और उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। जैसे ही आप किसी नॉन एम्प्टी सेट पे एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर देते हो तो एक आपको ग्रुपॉइड स्ट्रक्चर मिल जाता है। जैसे हम लोग आप इसकी बात कर लो, लेट लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, कंसीडर द मैप, प्रोजेक्शन मैप की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्शन मैप P1, इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, G क्रॉस G से G में। ओके, प्रोजेक्शन मैप P1 इज अ मैप फ्रॉम G क्रॉस G टू G, डिफाइंड बाय, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्शन P1, इसके अंडर में x कमा y की जो इमेज होगी वो क्या होगी, x होगी। और इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड प्रोजेक्शन मैप डिफाइन कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप। अच्छा, ये जो आप, जैसे आपको पता है कि बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए अगर आप सेट जी पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हो तो इसके लिए क्या करना होगा, जी क्रॉस जी से जी में एक मैपिंग डिफाइन करना होगा। और ये भी क्या है, एक मैपिंग है फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, इसका मतलब कि ये जो फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप है एक बाइनरी ऑपरेशन होगा इन दिस सेट जी। इसी तरह से अगर हम लोग सेकेंड प्रोजेक्शन मैप की बात करें P2, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ये भी जी क्रॉस जी से जी में होगा, और इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड बाय P2 के अंडर में x कमा वाई की जो इमेज होगी वो क्या होगी, y होगी। और ये भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है इन दिस सेट G। ओके, तो इस तरह से आपके सेट पे आपने दो डिस्टिंक्ट बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, P1 और P2। एक बात और भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर G सिंगलटन सेट होगा तो P1 और P2 में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि G में एक ही अगर मेंबर होगा तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, x, और यहाँ पे भी x ले सकते हो,
और x लेना ही पड़ेगा और इसकी इमेज भी क्या आएगी x, तो उस केस में p1 और p2 में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर g जो है डिफरेंट है सिंगलटन से, अगर g के पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट है तो p1 और p2 दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट बाइनरी ऑपरेशन होंगे इन दिस सेट g। और इस तरह से आपको दो ग्रुप वाइड स्ट्रक्चर मिले। सो g विथ रिस्पेक्ट टू p1 एंड g विथ रिस्पेक्ट टू p2 आर ग्रुप वाइड। तो इस तरह से आपने ये देखा कि आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि आपने ये समझा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और ग्रुप वाइड स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर किसी भी सेट पे अगर कोई आपने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया तो इससे जो एल्जेब्रिक सिस्टम हमें मिला उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप वाइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।